इंडियन सबकॉन्टिनेंट और श्रीलंका आइलैंड के बीच एक ब्रिज है जो लाइमस्टोन शोल से बना हुआ है। यह ब्रिज पानी में डूबा हुआ है पर एरियल व्यू में देखने पर श्रीलंका को इंडियन मेनलैंड से जोड़ते हुए नजर आता है। लेजेंड्स कहते हैं कि ये लॉर्ड राम की वानर सेना ने बनाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 में कहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किए अपने एफिडेविट को विथड्रॉ कर लिया। कोई कहता है कि ये एंशियंट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्रिज साइंटिफिकली जितना इम्पॉर्टेंट और सरप्राइज करने वाला है, पॉलिटिकली और रिलीजियसली भी उतना ही सेंसिटिव रहा है। ये ब्रिज तमिलनाडु के धनुषकोड़ी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नर आइलैंड को जोड़ता है। हालांकि ये करेंटली अनफीजिबल है क्योंकि इस ब्रिज को रिपोर्टेडली 1480 में एक मैसिव साइक्लोन ने सबमर्ज कर दिया था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राम सेतु की। दोस्तों, इस ब्रिज के साथ कई लेजेंड्स जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि हिंदू एपिक रामायण में जब रावण ने गॉडेस सीता का हरण किया था, तब लॉर्ड राम ने युद्ध करने के लिए ये ब्रिज बनवाया था। ये डिबेट राम सेतु को लेकर हमेशा से बनी हुई है कि आखिर वास्तविकता क्या है। इस पर डिस्कवरी चैनल ने एक शो भी ब्रॉडकास्ट किया था। रिसेंटली जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने एक स्टडी को ग्रीन लाइट दी और राम सेतु के बारे में साइंटिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट करने को कहा। यह स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट की जाएगी। आज हम इस वीडियो में इन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम रामायण में मेंशन्ड राम सेतु और फेमस लेजेंड को डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। लॉर्ड राम और गॉडेस सीता की कहानी हिंदू रिलीजन में पवित्र कहानियों में से एक मानी गई है। लॉर्ड विष्णु के सातवें अवतार और रावण जैसे अधर्मी पर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ पैदा हुए लॉर्ड राम की कहानी ही रामायण में पढ़ी जाती है। दोस्तों, लॉर्ड राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इसके कारण वह अयोध्या से दक्षिण की ओर जंगलों में ऋषि मुनियों के पास रहते हुए पंचवटी यानी आज के महाराष्ट्र में पहुंचे। यहीं पर सीता हरण का प्राकरण हुआ, जब असुरों के राजा रावण ने माता सीता को हरण किया और उन्हें लंका ले गया। क्योंकि लॉर्ड राम वनवास में थे तो उनके पास उनकी सेना नहीं थी, ऐसे में उन्होंने वानर सेना बनाई और बिलीफ के मुताबिक इसी वानर सेना ने उन्हें रावण के खिलाफ जीत दिलाई। लॉर्ड राम, लॉर्ड लक्ष्मण और लॉर्ड हनुमान के साथ साथ वानर सेना ने डेमन किंग रावण के आइलैंड को लिंक करने के लिए ये सेतु यानी ब्रिज बनाया था। ऐसे कई एंशियंट टेक्स्ट में मेंशन्ड है और कई रिसर्च बुक्स और मैप्स भी बताते हैं। रामायण में वाल्मीकि सेतु बंधनम के बारे में लिखते हैं जो इंडिया और लंका को लिंक करता है। ये एंशियंट ब्रिज दोस्तों 850 AD में एक पर्शियन ज्योग्राफर इब्न खोरदादबे की एक किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में भी मेंशन किया गया है। इसे सेट बंधाई यानी ब्रिज ऑफ द सी के नाम से रिफर किया गया है। इस ब्रिज का एक और मेंशन डच कार्टोग्राफर ने 1747 में किया था, जिसमें उसने इस रीजन को रमन क्वाइल यानी राम टेंपल के रूप में दिखाया था। ये मैप अभी थंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसी तरह कई दशकों तक इस जगह का तरह तरह के मैप्स और कहानियों में मेंशन हुआ है। ये ब्रिज को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 में इसे एडम्स ब्रिज कहा है। ये नाम अब्राहमिक लेजेंड पर आधारित है, जिसके अनुसार एडम ने यह ब्रिज समुद्र क्रॉस करने के लिए माउंटेन पीक पर पहुंचने के लिए बनाया था। एडम उस पीक पर जाकर 1000 साल तक पेनिटेंस यानी तौबा की थी, जिससे उस हिल पर फुटप्रिंट रह गया। अब उस पीक को एडम्स पीक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? रिसेंटली जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने एक अंडरवाटर एक्सपेडिशन कंडक्ट के लिए ग्रीन फ्लैग दिया है। लेकिन इस एक्सपेडिशन से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को आज के दिन तक अनगिनत प्रपोजल सबमिट किए गए हैं। पहले भी प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए हैं, पर अब पहली बार एक एक्सपेडिशन होने जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राम सेतु पर एक स्टडी का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है, जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO ने सबमिट किया था। इस एक्सपेडिशन को कंडक्ट करने का मकसद ये जानना है कि राम सेतु मैनमेड है या नेचुरल। प्रपोजल नोट्स में NIO ने कहा था कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के बीच रामायण की डेट
और हिस्टोरिसिटी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा है। यह प्रपोज किया जाता है कि राम सेतु की फॉर्मेशन उसके नेचर और सराउंडिंग एरिया पर एक साइंटिफिक और अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज की जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्सपीडिशन मार्च 2021 में शुरू होना था, लेकिन फिलहाल कोई रिपोर्ट इसके शुरू होने का मेंशन नहीं करती है। एक न्यूज एजेंसी में पब्लिश जनवरी 30, 2021 की एक रिपोर्ट में एएसआई के एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर को कोट किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया है। ये एक्सपेडिशन जब भी शुरू होगा इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एनआईओ को रिसर्च वेसल सिंधु साधना प्रोजेक्ट में सेडिमेंट के सैंपल कलेक्ट करने के लिए सी वाटर में 35 टू 40 मीटर्स नीचे डिप्लॉय की जाएंगी। सिंधु साधना दोस्तों इंडिजिनस एक्सप्लोरेशन वेसल जो 45 दिनों तक अंडर वाटर रहकर एक्सपेडिशन कर सकती है। एनआईओ इसके बाद सेडिमेंट्स के एज डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो कार्बन डेटिंग टेक्निक्स के इस्तेमाल से होंगे, ताकि ये देखा जाए कि कोई आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक रिमेन्स है या नहीं। इसके अलावा अंडर वाटर एक्सपेडिशन जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल एंटीक्विटीज, रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग पर बेस स्टडी करेगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राम सेतु का अंडर वाटर एक्सपेडिशन अप्रूव कर दिया है, क्योंकि दुनिया को ब्रिज के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च पर बेस्ड एविडेंस के जरिए पता चलना चाहिए। राम सेतु दोस्तों इंडिया का एक सिग्निफिकेंट बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह मरीन लाइफ इकोसिस्टम है जिसे डिस्टर्ब करना एनवायरमेंटल कंसर्न्स पैदा कर सकता है। यूपी गवर्नमेंट ने 2004 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट यानी SSCP को जब शुरू किया तो एनवायरमेंटल एडवोकेट्स और रिलीजियस एंथुसियस्ट के क्रिटिसिज्म का टारगेट बन गए। इस प्रोजेक्ट में पाल्क बे और गल्फ ऑफ मनार के बीच शैलो सी को खोदकर एक नैरो शिपिंग पैसेज बनाने का विजन रखा गया था। इसे इंडिया का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट लिंक किया जा सकता है, जिससे श्रीलंका को घूमकर जाने की प्रॉब्लम्स और लॉजिस्टिकल इश्यूज खत्म हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के इनिशियल असेसमेंट को नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NEERI ने कंडक्ट किया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने एनवायरमेंटल रिस्क को रूल आउट करते हुए प्रोजेक्ट को फीजिबल बताया। हालांकि कैनाल की स्टेबिलिटी और प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। 2004 के वक्त इस काम में शामिल गवर्नमेंट एजेंसीज एंथुसियाज्म के साथ काम कर रही थी और पब्लिक द्वारा उठाए जा रहे अनकंफर्टेबल सवालों को इग्नोर कर रही थी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर के साथ राम सेतु की ड्रेजिंग यानी खुदाई रोक दी थी। ये ऑर्डर एक प्ली के रिस्पांस में था जो हिंदूज की इमेंस रिलीजियस वैल्यू से रिलेटेड थी। सब्सिक्वेंटली यूपी गवर्नमेंट ने 2008 में आरके पचौरी कमेटी का गठन किया, जो उस वक्त द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल भी थे। इस कमेटी ने पाया कि इस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरमेंट को सीरियस थ्रेट्स होंगे। ये भी कहा गया कि यदि ऑल्टरनेट रूट भी लिया गया तब भी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होगा। पचौरी कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक क्लेम्स के लिए भी क्रिटिक का काम कर रही थी। दोस्तों राम सेतु के सराउंडिंग में 36,000 फ्लोरा और फौना की स्पीसीज हैं, जो मैंग्रोव्स और टर्टल नेस्ट वाले रिटायल किनारों के लिए जाने जाते हैं। ये सराउंडिंग फिश, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स के लिए भी ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करते हैं। इस रीजन में 600 फिश स्पीसीज हैं, जिनमें से 70 स्पीसीज ऑलरेडी कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली ये रीजन करेंटली सेफ नहीं है। यहाँ ऑलरेडी थर्मल प्लांट्स जैसी जगहों से आने वाला वेस्ट डंप होता है, लेकिन क्योंकि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं तो राम सेतु के नेचुरल होने या मैनमेड होने वाले डिबेट पर फुल स्टॉप लगाया जाना बाकी है। इसके लिए पहले भी कई स्टेप सरकार ने लिए थे। दोस्तों 2000 में भी एक एक्सप्लोरेशन शुरू किया गया था, हालांकि उसके कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आए। एक सीनियर आर्कियोलॉजिकल जर्नलिस्ट ने बताया कि करीब डेढ़ दशक पहले उनकी रिपोर्ट्स में बताया गया था कि एक्सप्लोरेशन के कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जब गवर्नमेंट ने अंडर द सी एक्सक्वेट करने की कोशिश की तो वो सी बेड तक नहीं पहुंच सके। यूनियन गवर्नमेंट लेवल पर दोस्तों 2005 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट आलोक त्रिपाठी ने एक प्रपोजल सबमिट किया था कि राम सेतु के लिए एक अंडर वाटर एक्सपेडिशन कराना चाहिए। आलोक त्रिपाठी ने 2001 से 2009 के बीच अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट फॉर इंडिया को हेड किया था। उनका आइडिया ICHR ने अप्रूव भी किया था, लेकिन बाद में ICHR के न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ने कहा था कि इस तरह के एक्सकवेशंस और कामों को करने का काम हिस्टोरियंस का नहीं है।
ऐसे कामों के लिए ASI जैसी एजेंसीज हैं। आलोक त्रिपाठी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इस एक्सपेडिशन का क्या प्लान है। ASI ने कोई प्रपोजल को पब्लिसाइज नहीं किया है। त्रिपाठी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट ने सडनली जैसे ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और एक्सपेडिशन शुरू करने का भी डिसाइड किया, क्योंकि 2008 में कांग्रेस रजीम के अंडर ASI ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया था। इस एफिडेविट में कहा गया था कि ब्रिज के आइलेट्स और शोल्स नेचुरल फॉर्मेशन हैं और ये पॉसिबली तब बने होंगे जब श्रीलंका आइलैंड इंडियन लैंडमास से अलग हुआ होगा। ये वही एफिडेविट था जिसे बाद में विथड्रॉ कर लिया गया था। पर सवाल फिर वही उठता है कि ये ब्रिज आखिर है कितना पुराना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अंडर अपनी एक स्टडी में इंडिकेट किया है कि रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका का तलाई मनार आइलैंड 7000 से 18000 साल पहले एक्सपोज हुए थे। GSI के मुताबिक कोरल की डेटिंग से पता चलता है कि एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु 500 से 600 ईयर्स पहले फॉर्म हुआ होगा। रामायण के मुताबिक ये ब्रिज एंशियंट है, लेकिन फिलहाल कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये मैनमेड ब्रिज है। ये ब्रिज रिपोर्टेडली 15 सेंचुरी तक पैदल पार किया जा सकता था। टेंपल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि राम सेतु 1480 तक सी लेवल के ऊपर था, लेकिन नेचुरल कैलमिटीज के कारण ये डूब गया। दोस्तों, साइंटिफिक एविडेंसेस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज और अप्रोच के चलते डेवलप हो रही हैं। आने वाले वक्त में इस ब्रिज को लेकर और भी ज्यादा डेटा और हिस्टोरिकल एविडेंसेस सामने आ सकते हैं। लेकिन एविडेंसेस और रिजल्ट्स जो भी आए, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि ये ब्रिज हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है और उसका सम्मान करना भी हमारा दायित्व है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।